हेलो गाइस, वेलकम टू देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस, और टेंस में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस हम करेंगे इसके अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस टेंस से पहले हमने जो सिंपल टेंस की है, यानी कि टेंस का बेस किया और प्रेजेंट सिंपल किया, पास्ट सिंपल किया, फ्यूचर सिंपल किया, आप पे ये स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपका बेस उसका क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको कंटिन्यू समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो टेंस का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि टेंस सिंपल टेंस जिसमें दिए गए हैं, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टेंस में, वो कंटिन्यूस टेंस का होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट किया था सिंपल, आज हम करेंगे कंटिन्यूस। अब हमने जो ये पेयर बनाए हैं सिंपल के बाद कंटिन्यूस, यानी कि अब हम सभी के कंटिन्यूस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे। उसमें क्या है, मैंने बताया था आपको सिमिलरिटी होती है, तो बात हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही करेंगे कि इसमें सिमिलरिटी क्या है। एक तो कंटिन्यूस आप किसी का भी करते हैं, ध्यान से देखना, कंटिन्यूस आप किसी का भी करोगे, सभी के कंटिन्यूस में जो वर्ब यूज होगी ना, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें यूज की जाएगी, जिसका वी फोर का मतलब वी वन प्लस आई एन जी। यानी कंटिन्यूस किसी का भी है, सभी के कंटिन्यूस में आप वी फोर यानी कि वी वन प्लस आई एन जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरी बात, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जो इनकी पहचान हिंदी में, उसमें कॉमन वर्ड मिलेगा जो सभी में सेम होगा, वो होगा रहा। ध्यान से देखना, अगर बात प्रेजेंट की है, प्रेजेंट का मतलब चला हुआ टाइम, पास्ट का मतलब बीता हुआ टाइम, फ्यूचर का मतलब आगे आने वाला टाइम। अब सिमिलरिटी क्या है, सभी के कंटिन्यूस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, सभी के कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वी वन प्लस आई एन जी का यूज किया जाएगा। रहा यानी कि दोस्तों, कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यू का मतलब लगातार, जो एक्शन जो एक्टिविटी लगातार है वो कंटिन्यूस टेंस में आती है। अब बात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, तो आप समझ जाइएगा, जो प्रेजेंट टाइम जो एक्शन चले हुए है ना, चल रहे हैं कंटिन्यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि जो एक्शन प्रेजेंट में चले हुए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू चल रहे थे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्शन जो एक्टिविटी फ्यूचर में कंटिन्यू चलेंगी वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कंटिन्यूस का मतलब लगातार, तो रहा, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैं पढ़ा रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं पढ़ा रहा हूंगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो रहा जो इसमें आया वो कॉमन है, अगर रहा के पीछे दोस्तों है आ गया, रहा है, रहे हैं, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर इस रहा के पीछे था गया, रहा था, रहे थे, रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर रहा के पीछे होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आ गया, तो कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी रहा तो कॉमन होगा और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉमन होगी। तो ये कॉमन चीजें हैं जो कंटिन्यूस टेंस आती है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन में तो रहा आएगा, इसकी मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म आएगी। जो डिफरेंट चीज है दोस्तों वो है इनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हर टेंस की अपनी अलग से हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी पे आपको कंसंट्रेट करना है। यानी कुल मिला के जब आप कंटिन्यूस करोगे तो 10-12 हेल्पिंग वर्ब जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, इनके यूजेस सीखने हैं। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज में जो कंटिन्यूस में फर्स्ट हमारा है, कंटिन्यूस में आज हम जो करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब बात आती है व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, An action that going on at the time of speaking comes in present continuous tense, यानी कि ऐसा action जो बोलते time, यानी present time जो complete हो जाता है, वो present continuous tense को represent करता है। For example, मैंने बोला I am studying English now, बात कब की, अब की। Studying कौन सी form use की गई, fourth form helping verb use की गई, यानी कि बात I am studying English now, अब मैं किसकी study कर रहा हूं, English की study कर रहा हूं, English पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों पढ़ रहा हूं मैं, English पढ़ रहा हूं, अगर ये बोला तो टाइम कौन सा हुआ, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है, कंटिन्यू चला हुआ है,
कंप्लीट हुआ नहीं, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट में जो एक्शन जो एक्टिविटी चलती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिनोट्स करती है। अब बात आई, ये हमने बोल दिया कि प्रेजेंट में क्या वही चीजें आती हैं जिसको हम देख सकते हैं? नहीं, समटाइम्स सम इवेंट्स आर गोइंग ऑन इवन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वी कैन सी देम, दे टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैंने आपको बताया कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन दोस्तों वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, वो भी हमारे किस में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। इसलिए मैंने बोला समटाइम्स सम इवेंट्स आर गोइंग ऑन इवन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वी कैन नॉट सी देम, दे टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ऐसी कौन सी चीज है जो प्रेजेंट में चलती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? जैसे मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बिल्कुल सही कहा, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। टेंस कौन सा? टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब ये एक ऐसी चीज है, ऐसा इवेंट्स है जो डे बाय डे चलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर बड़ी, हम हरियाणा के अंदर बैठे, हमने देखा भाई राजस्थान की पॉपुलेशन कल कितनी थी। सपोज दैट मैंने बोला भाई राजस्थान की जो पॉपुलेशन वो 5 करोड़, लेकिन एक साल के बाद हमने देखा राजस्थान की पॉपुलेशन 5 करोड़ 50 लाख। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, जो 50 लाख बड़ी, हम सभी के घर पे जाके थोड़ी ना देखा है वो जनसंख्या कहाँ पे बड़ी, वो सर्वे किया गया, डाटा हमने देखा। यानी कि एक ऐसे इवेंट जो हमें दिखाई नहीं देते वो भी किस में आते लेकिन वो कंटिन्यू चलते हैं, वो भी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए अब हम इसका नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं। भाई हमें ये तो पता चल गया जो कंटिन्यूस टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे, उसमें जो आइडेंटिफिकेशन में कॉमन वर्ड है वो रहा होता है। अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर की, किसके अंदर स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं। भाई जब फोर्थ फॉर्म का हमें पता चल गया तो स्ट्रक्चर की ही बात रह गई, तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं किसमें क्या स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, साइन तो आपको पता चल ही गए होंगे जिसने फर्स्ट वीडियो टेंस की देखी है, भाई प्लस का यानी कि पॉजिटिव अगर आप राइट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी में आएंगे, आपको सीखना क्या है मेन, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी के अंदर आते हैं, सभी के नेगेटिव में नोट आएगा, सभी के इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, आपको देखना उसके अंदर किस टेंस के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या मेन वर्ब यूज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आप जब पॉजिटिव सेंटेंस राइट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट राइट किया। जब आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस राइट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और नेगेटिव में दोस्तों आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा, और फोर्थ फॉर्म तो मैंने बता दिया किसी का भी कंटिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म यानी कि वी वन प्लस आई एन जी उसके अंदर लिखी जाएगी। जब आप इसमें इंटरोगेटिव राइट करते हैं, इंटरोगेटिव का रूल भी आप सभी को पता है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज दोस्तों सब्जेक्ट से पहले होता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट जो पंचमिशन मार्क ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क यूज किया। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि आपको सेम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट एंड After the subject use of not, means include negative plus interrogative sentence is MR subject plus not plus fourth form of main verb plus object and sign of interrogation. Means four structure, positive, negative, interrogative, interrogative plus negative. अब आपको कोई भी continuous का कोई भी tense यानी कि present continuous का कोई भी sentence मिलता है, अगर आप उसको English में translate करते हैं तो दिए गए structure के according करते हैं। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है, भाई subject सभी में आता है, object सभी में आता है,
मेन वर्ब हमें पता चल गई भाई कॉन्टिन्यूस किसी का भी है, जहां पे कॉन्टिन्यूस वर्ड आ गया वहां पे हम V1 प्लस ING का यूज हम करेंगे, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज वहां पे हम करते हैं। अब बात है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्या है सर इसके अंदर? इजेमार, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है। इसके अंदर जो मेन चीज है वो है उसकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपसे पूछा गया बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब इजेमार का यूज करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द यूज ऑफ इजेमार, यानी कि इज किसके साथ यूज किया जाएगा, एम किसके साथ यूज किया जाएगा, आर किसके साथ यूज किया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके रूल में हम देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट, अगर दोस्तों सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिल जाए जो किसी एक के बारे में बताता, सिंगुलर सब्जेक्ट एक नाम, कोई सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट यूज ऑफ इज, तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट आई मिलेगा, आई के साथ आपको एम यूज करना है, एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट यूज ऑफ आर। अगर आपको सब्जेक्ट दोस्तों कैसे मिले, अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए प्लूरल तो उसके साथ आपको आर यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि सब्जेक्ट मिला सिंगुलर तो यूज किया इज, सब्जेक्ट मिला आई तो यूज किया एम, और सब्जेक्ट मिला प्लूरल तो उसके साथ हमने यूज कर दिया आर। कहने का तात्पर्य क्या है इसमें कि सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो इज है, प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर है, और जो एम है वो आई के साथ यूज किया जाएगा। यानी जिस इंग्लिश सेंटेंस में आपको इज एम आर मिलेगा, जिस सेंटेंस में इजेमार के साथ आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING का यूज मिलता दोस्तों, समझ जाना वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब बात आती है इंग्लिश में, तो अंडरस्टैंड हो गया हमें, अच्छे समझ में आ गया। बात आती है इसकी आइडेंटिफिकेशन की, बात आती है इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा तो कॉमन है, बात प्रेजेंट की है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट्स करता है, यानी है, था, किया था, पास्ट टाइम को डिनोट्स करता है, होगा, होंगे, होगी, किसको डिनोट्स करता है, फ्यूचर टाइम को डिनोट्स करता है। अब इसमें देखते हैं जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आएगा दोस्तों, आप समझ जाइएगा वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे मैंने बोला आप पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो पढ़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी प्रेजेंट में जो एक्शन, जो एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम ही चल रहे हैं, कंप्लीट हुए नहीं है, वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। एक चीज आपको अच्छे समझनी जरूरी है। अब बात आती है जैसे मैंने कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैंने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा और आपको बोला इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो सिंपल सी बात है ना, सबसे पहले देखेंगे वर्ब के लास्ट में क्या आया, वर्ब के लास्ट में आया रहा हूं, रहा हूं, रहे हैं, रही है, तो किस कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट में यानी कि आई, और आई के साथ दोस्तों क्या आएगा, आई के साथ एम आता, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम, आई एम, और पढ़ाना, पढ़ाना यानी कि टीचिंग, टीच, और टीच की कौन सी फॉर्म, आईएनजी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर इसी को आप नेगेटिव लिखते हैं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। अगर इंटरोगेटिव में लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले, एम आई टीचिंग इंग्लिश, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमें इसमें मेन देखना, हिंदी का हमें पता चल गया, और जिस इंग्लिश सेंटेंस में इजेमार का यूज किया जाता है इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसको नोट्स अच्छे से इसके प्रिपेयर करें और इसकी भी प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यूस में हमारा
इस प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है दोस्तों हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा आता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट का मतलब है जो एक्शन, जो एक्टिविटी हमारी पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि चल रही थी, जो पास्ट में चल रही थी, वो हमारे डिनोट्स करते हैं किसको? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। किसको डिनोट्स करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। इफ एन एक्शन वाज इन कंटेक्शन इन द पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज, यानी कि जो पास्ट में, जैसे मैंने बोला आई वॉज वेटिंग, एग्जाम्पल मैंने दिया आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैंने बोला आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अभी सेंटेंस बोला, इसमें हमने देखा आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा था, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि पास्ट में कर रहा था। मैं आपसे आज मिला और कल मैं कहीं पे आपकी एक घंटा प्रतीक्षा करके वेट करके चला गया, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? आई वॉज वेटिंग, क्या बोलूंगा? आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैंने आपकी प्रतीक्षा की थी ना, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कब? पास्ट में, अब थोड़ी ना कर रहा हूं, वो पास्ट की बात है, यानी जो एक्शन, जो एक्टिविटी पास्ट में चल रहे थे, उसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हमारा कौन सा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें अगर बात की जाए पास्ट कंटीन्यूअस का, हमें पता चल गया पास्ट में जो एक्शन, जो एक्टिविटी चल रहे थे, वो रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। अब बात इसकी पॉइंट पे आती है डायरेक्ट, इसमें पॉइंट में बात क्या आती है कि भाई इसमें स्ट्रक्चर कौन से यूज करते हैं? अगर दोस्तों इसमें आप पॉजिटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म तो कॉमन है, मैंने आपको बता दिया था कंटीन्यूअस किसी का भी है वाज वर, सिर्फ सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, चेंज क्या करना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इसमें नेगेटिव राइट करते हैं तो नेगेटिव सभी को याद हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट इंक्लूड कर देना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म, ये ध्यान रखना आपको। नोट का यूज कहां पे होगा? नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। उसके बाद आता हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर वही सेम रूल क्या? ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज दोस्तों आपको सब्जेक्ट से पहले करना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको कैसे करना है? इसमें आपको करना है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट एंड नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क। अब चार स्ट्रक्चर हमने इसमें लिखे, यानी कि पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव लिखा, इंटरोगेटिव लिखा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखा। बात वही आती, एक पॉइंट और रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में दोस्तों WH फैमिली वर्ड का यूज होता है तो उसका यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की मैं बात करता हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड का यूज हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाएगा। अब बात आती इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो भी दो है। अब दो हेल्पिंग वर्ब जो इसके अंदर हैं उनका यूज कैसे करना वो हम रूल से सीखते हैं। अब इसमें रूल क्या बना, अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिला तो उसके साथ वॉज यूज करते हैं। अगर दोस्तों आपको सब्जेक्ट मिल जाए प्लूरल तो उसके साथ आप वर यूज कीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आपको वर यूज करना है। अब यहां पे सिंगुलर प्लूरल का मतलब तो पता ही होगा ना, सिंगुलर जो किसी एक के बारे में बताए, प्लूरल दो एक से ज्यादा के बारे। हर बार मैं रिपीट करता हूं इस चीज को ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। अब बात आती है भाई वॉज वर का यूज हमें पता चल गया, अब यहां पे पॉइंट आता कि इंग्लिश सेंटेंस में आपको जहां पे वॉज वर मिलेगा, जिस इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आपको वॉज वर मिला, इसका मतलब वो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंग्लिश में हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई, बात है इंग्लिश हिंदी की, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में, हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में बात रहा तो कॉमन है ना, बात पास्ट की है, रहा था, रहे थे, रही थी, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा दोस्तों, वो हमारा कौन सा टेंस है? वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम पढ़ रहे थे, हम खेल रहे थे, हम नाच रहे थे, हम खाना बना रहे थे, तो ये सारे, यानी कि जो पास्ट में जो एक्शन, जो एक्टिविटी कंटिन्यू चल रहा था, वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। इंग्लिश में हमें पता चल गया, यानी कि वाज वर का यूज किया,
वाज वर्ब का यूज किस में करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। हिंदी में हमें पता चल गया, हिंदी में ये सेंटेंस आएंगे। तो इसके भी 5 से 7 सेंटेंस आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कंटिन्यूस में आज का हमारा जो लास्ट टेंस रहेगा वो रहेगा कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा दोस्तों? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हर चीज को नोट्स भी प्रिपेयर करें, अच्छे से उसको रिमाइंड करें, चीजों को प्रैक्टिस जितना करोगे आपके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल रहेगा। अब बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। कौन से टेंस की? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यानी कि इसमें फ्यूचर में आगे आने वाले, फ्यूचर में जो आगे आने वाले टाइम में जो चीजें कंटिन्यू चलेंगी वो हमारे फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम खेल रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, हम खा रहे होंगे, यानी कि जो आने वाले टाइम में प्रेजेंट सॉरी जो फ्यूचर में चल रहे काम को, कंटिन्यू चल रहे काम को डिनोट्स करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आता है। अब बात इसके स्ट्रक्चर की आती है। अगर आप इसमें पॉजिटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो हम इसके अंदर सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला था फर्स्ट वीडियो में, भाई शैल विल का यूज मस्ट है। भाई फ्यूचर का कोई भी उसमें शैल विल तो आएगा, शैल विल के साथ ही इंक्लूड होता रहेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल, फ्यूचर सिंपल में अकेला सेल विल आया था, यहाँ पे इस सेल विल के साथ बी जुड़ जाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस सेल विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों इसमें आप नेगेटिव राइट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल और इस बी के बीच में नोट लगा दें, सेल विल नॉट बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब मेन है सिर्फ वो आएगी, यानी शैल विल ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। उसके बाद फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें आप शैल विल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट यूज करके फिर बी आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हमने चारों स्ट्रक्चर किए, सिंपल फ्यूचर में अकेला शैल विल का यूज हुआ था, लेकिन यहां पे आने के बाद क्या किया गया, यहां पे आने के बाद इस शैल विल के साथ बी यूज कर दे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है, शैल विल और बी के बीच में नोट आएगा, शैल विल बी नॉट फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, शैल विल के और बी के बीच में नोट यूज किया जाएगा इंटरोगेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब भाई इंग्लिश में तो आइडेंटिफिकेशन इसकी हो गई, जिस इंग्लिश सेंटेंस में शैल विल के साथ बी मिला, शैल बी या विल बी, इसका मतलब वो हमारा कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब शैल विल का यूज आप सभी को पता, शैल विल का यूज सेम चलेगा, यानी अगर आपको फर्स्ट पर्सन आई और वी मिलता है दोस्तों उसके साथ शैल भी लगेगा, बाकी कोई भी सेकंड पर्सन मिले, थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई भी नेम मिलेगा उसके साथ आपको यूज करना है विल बी, उसके साथ आपको यूज करना है विल बी। अब बात आती है इसके आइडेंटिफिकेशन की, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएंगे, तो इसका मतलब वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं राम पढ़ रहा होगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करेंगे। लेकिन इसमें देखना क्या है कि आई और वी के साथ आपको शैल भी यूज करना, बाकी सभी के साथ विल भी यूज करना है। तो आज हमने इस वीडियो से क्या सीखा कि हमने जो प्रेजेंट में जो जितने भी वर्क होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट में जो कंटिन्यूस वर्क होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर में जो कंटिन्यू जितने भी काम होंगे वर्क होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल के बाद हमने कंटिन्यूस किया। दोस्तों एक एक स्टेप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। और टेंस तो मैं हर बार बोलता हूँ, टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंस एक तरीके से रीढ़ी की हड्डी मानी जाती है इंग्लिश की, इसको सीखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो पे ही डिपेंड करते हैं। अब आपको करना क्या, इससे रिलेटेड कोई भी 10 या 5 एग्जांपल अपनी कॉपी में लिखिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए करके देखिए। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से रिमाइंड हो जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।